राजनीति का हिस्सा कोई नहीं है, वोट का हिस्सा कोई नहीं है, वो हकीकत ही गरीबों के सहायक हैं। राहुल गांधी पहली बार नहीं आया, नई दिल्ली में भी आ चुके हैं राहुल गांधी जी कुलियों के पास में। ये तो सिर्फ गरीबों के लिए ही बने हैं राहुल गांधी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय समय पर आम लोगों के बीच जाकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं। राहुल गांधी आज 21 सितंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और कुलियों से मुलाकात की। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी कुलियों का बोझ उठाते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी ने कुलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी और सूटकेस सिर पर रखकर चलते दिखाई दिए। वहीं राहुल ने कुलियों के बीच बैठकर उनके दिल का हाल भी सुना। राहुल के यूं अचानक आनंद विहार आने को लेकर सुनिए कुलियों ने क्या कहा। सवाल किए थे हमसे, उनको बताया हमने, हम हमारा वो बताया था, हमें परेशानी समस्या बताई थी, वो हमें आश्वासन देके गए कि आपकी समस्या का समाधान निकालें। के लिए जगह नहीं है, हमें एक छोटा सा कुली हॉल है, हम 167 कुली है यहाँ पे, ना लेटरिन बाथरूम की सुविधा, ना पानी पीने की सुविधा, हमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। और आज से करीबन 2008 में ग्रुप डी की नौकरी मिली थी हमें, हम नौकरी की मांग करते करते रह गए, अब तक हमें नौकरी भी नहीं मिली। और 10 साल के अंदर हमारी, 10 साल पहले 60 रुपए की रेट थी, 10 साल में हमारे 40 रुपए बढ़ाए हैं, 100 रुपए की रेटेस्ट है हमारी। राहुल गांधी का दर्द मजदूर का, किसान का, रेडी वाले का, पटरी वाले का, सबका दर्द समझते हैं, वो सबसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखो गाँव में मनरेगा है, वो चल रही है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, हम राजस्थान के, हम कांग्रेस राजस्थान में गहलोत सरकार से इतना खुश हैं कि हम यूँ कहें कि 70 साल कांग्रेस देश में रही, तो 70 साल